हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह हम अपने एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को यूज ऑफ ए एन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब बच्चे अल्फाबेट आसानी से सीख जाते हैं, बच्चों को अल्फाबेट लिखना आ जाता है, तो हम उन्हें वावल और कॉन्सोनेंट समझाते हैं कि क्या होते हैं वावल और क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो बच्चों को जब आपने वावल का कॉन्सेप्ट समझाना है कि वावल कितने होते हैं, तो आपने बच्चों को वावल गा गा कर सिखाने हैं, सिंगिंग के थ्रू सिखाने हैं, दिन में कई बार रिपीट करवाना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम बड़ों को सिखाएं तो बहुत इजीली हम जल्दी सीख जाते हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो जब आपने बच्चों को वावल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस समझाना है, तो वावल बताना है कि बेटा 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। फिर बच्चों को आप सिंगिंग कर करके दिखाइए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। फिंगर्स पे समझाइए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो इस तरह जब आप कई बार रिपीट करेंगे तो बच्चों को वावल पता लग जाएगा कि 5 वावल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों को आपने क्या करना है। पहले इस तरह अल्फाबेट लिखकर बच्चों को समझाना है कि बेटा 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं 5 वावल्स, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वावल्स। और जो बच गए वो क्या है, वो है कॉन्सोनेंट। क्या है वो? कॉन्सोनेंट। फिर बच्चों को आपने नीचे वावल्स की प्रैक्टिस देनी है कि बच्चे ने ये जो सर्कल बनाए हैं इनमें वावल राइट करे। बच्चा यहाँ पे राइट करेगा ए ई आई ओ यू। तो इस तरह आप बच्चों को वावल्स की प्रैक्टिस दीजिए राइट करने की, क्योंकि बच्चा अगर लिखेगा तभी बच्चे को पता लगेगा कि कौन कौन से वावल्स होते हैं। इसी तरह बच्चों को आपने फिर इस तरह वर्कशीट बनाइए, आप सर्कल द कॉन्सोनेंट। अब बच्चे को बोलिए कि कॉन्सोनेंट पे सर्कल करे। तो आपने बच्चों को बता दिया वावल्स क्या होते हैं, बच्चे ने लिखना भी सीख लिया, तो बच्चे को पता लग गया कि 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो बच्चा पहले इन लेटर्स को पढ़ेगा और जो कॉन्सोनेंट होगा उस पे सर्कल लगाएगा। जैसे टी क्या है? कॉन्सोनेंट। ए क्या है? वावल। बी क्या है? वी क्या है? कॉन्सोनेंट। ई क्या है? वावल। ओ क्या है? वावल। एल कॉन्सोनेंट। के कॉन्सोनेंट। एस कॉन्सोनेंट। तो इस तरह जब बच्चे को आप फर्स्ट टाइम करवाते हो तो थोड़ी सी आप बच्चे की हेल्प करिए समझाते समय। तो इस तरह बच्चे को वावल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चों को आप इस तरह लिख कर दीजिए और बच्चे को बोलना है कि हमने यूज ऑफ ए और एन किस तरह, कहां पर हमने ए लगाना है और कहां पे हमने एन लगाना है। तो बच्चों को हमने बताना है कि पहले फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर क्या है? बी। तो बी के साथ क्या लगेगा? ए। जहां पर वावल्स आ जाते हैं ए ई आई ओ यू, वहां पे हमने एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए का यूज करना है। तो हमने ये बच्चों को बिल्कुल क्लियर करना है कि कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करना है और वावल के साथ एन का यूज करना है। तो फिर आप पहले इस तरह पहले कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखिए और बच्चों को बोलना है कि उसमें ए लगाएं। और बच्चे को हमने ऐसे समझाना है, देखो यहाँ पे बी है, बैट,
ब, तो यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए। जी, ग्लास, जी की साउंड आ रही है और यहाँ पे क्या है, जी है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा, ए। पेन, पी की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए, क्योंकि ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या लगेगा, ए। तो इस तरह हमने पहले तो ए ए लगाना सिखाना है और फिर बच्चों को हमने एन का यूज बताना है, फिर हमने बच्चों को बताना है कि वावल के साथ एन का यूज करेंगे। वावल्स ए ई आई ओ यू, देखो आपने फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर क्या है, आई, आई क्या है, वावल, वावल के साथ हम क्या लगाएंगे, एन। ऑरेंज, ओ क्या है, वावल, वावल के साथ हम क्या लगाएंगे, एन। एप्पल, ए, ए क्या है, वावल, क्या लगाएंगे, एन। तो इस तरह पहले आप कॉन्सोनेंट से रिलेटेड वर्ड दीजिए बच्चों को और उसमें ए का यूज करना सिखाइए और फिर आप बच्चों को वावल से रिलेटेड वर्ड दीजिए और बच्चे को एन का यूज सिखाइए, फिर बच्चे को आप मिक्स कर दीजिए, ए और एन दोनों ही लगाने सिखाने हैं फिर हमने बच्चों को। फिर हमने बच्चों को इस तरह ही समझाना है कि देखो यहाँ पे क्या है, एप्पल, ए, ए क्या है, वावल, वावल के साथ क्या लगेगा, एन, तो यहाँ पे किसका यूज होएगा, एन का। पी, पेंसिल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा, ए। यू, यू क्या है, वावल है, वावल के साथ एन। बी, बॉल, बी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो किसका यूज करेंगे हम, ए का। सी, कैट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या लगेगा, ए। तो इस तरह हम बच्चों को यूज ऑफ ए एन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली से बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। फिर बच्चों को हम इस तरह सर्कल में ए और एन लिख कर दे सकते हैं और साइड में इस तरह पिक्चर्स बनाकर बच्चों को मैच करने की वर्कशीट दे सकते हैं, जिस तरह हमारी ये वर्कशीट है, मैच ए एंड एन विद गिवन पिक्चर्स। अब बच्चा यहाँ पे देखेगा आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई किसकी साउंड है, आई क्या है, आई क्या है, वावल है, तो वावल के साथ हमने क्या लगाना था, एन, तो आइसक्रीम किसके साथ मैच करेगा, एन के साथ। इसी तरह एप्पल, ए क्या है, वावल, वावल के किसके साथ, एन। बैट, ब, बैट किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो किसके साथ मैच करेंगे, ए के साथ। नेक्स्ट है कैप, सी किसकी साउंड है, सी किसके साथ लगता है, क्या लगेगा, ए, क्योंकि सी क्या है, कॉन्सोनेंट। पेंसिल, पी, पी क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ए के साथ। अम्ब्रेला, यू क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवल, वोवल, तो यू को किसके साथ मैच करेंगे, एन, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, एन। तो इस तरह हम वर्कशीट के थ्रू बच्चों को यूज ऑफ ए एन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगी है, वर्कशीट अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और ये वर्कशीट कैसी लगी है।